माता कैकसी सत्य कहती थी नाना श्री, पुष्पक विमान प्राप्त किए बिना मेरा जीवन ही अपूर्ण था। इस विमान से तुच्छ पृथ्वीवासियों को देखने तथा गगन विहार करने का आनंद शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। तुम्हारी माता तथा हमारी पुत्री केकसी सदा सत्य ही कहती है। हाँ लंकेश्वर दशानन रावण, मेरी बहन केकसी सत्य के अतिरिक्त कुछ नहीं कहती। उसके परामर्श पर चलने से ही संपूर्ण असुर जाति का उद्धार होगा। आप सत्य कहते हैं मामा श्री। कुबेर जैसे भीरू के पास इस बहुमूल्य पुष्पक विमान का क्या उपयोग? आपने देखा लंकेश्वर, उस भीरू दुष्ट स्वार्थी कुबेर की रक्षा करने पुनः आपका पितामह पुलस्त आ गया। सब कुछ देखा है मामा श्री, सब कुछ देखा है। रावण की दृष्टि से कुछ भी छुपा नहीं रहता। रावण के विश्व विजय के पश्चात उन दुष्टों की दुष्टता का उत्तर स्वयं मिल जाएगा। विश्व विजय के पश्चात आप अपनी प्रजा को देखने इस विमान में जाएं, कितना अद्भुत क्षण होगा वो। वो अद्भुत क्षण अब शीघ्र ही आने वाला है मामा श्री। विमान की गति यकायक थम क्यों गई नाना श्री? मुझे तो ये आपके भाई दुष्ट कुबेर का कोई भयानक षड्यंत्र लगता है। कुबेर, अब तू रावण के प्रहार से नहीं बचेगा। लंकेश, पुष्पक विमान इच्छा शक्ति से चलने वाला दिव्य विमान है। तुमने इसे विजित किया है, इसलिए ये रुकने से पूर्व ये तुम्हारी ही इच्छा शक्ति से संचालित हो रहा था। किंतु अब ये मेरी इच्छा शक्ति का आदेश क्यों नहीं मान रहा है? संभव है ये पर्वतीय क्षेत्र कोई विशिष्ट क्षेत्र हो और यहाँ रहने वाले व्यक्ति के प्रभाव से ही ये दिव्य पुष्पक विमान गतिहीन हो गया हो। रावण के अतिरिक्त संसार में ऐसा प्रभावशाली व्यक्ति कौन है? कौन है नाना श्री? ये तो मैं नहीं कह सकता लंकेश्वर। इस प्रकार मूर्खों के समान क्या हंस रहे हो वानर? हम वानर नहीं, वानर मुखी है रावण। स्वयं हमें मूर्ख कहने वाले स्वयं मूर्ख है। दुष्ट वानर, महाबली रावण अपने शत्रुओं को कभी जीवित नहीं छोड़ता। तुमने रावण से उपहास करके अपनी मृत्यु को आमंत्रित किया है। महाकाल भोलेश्वर शिव के गण, काल से नहीं डरते रावण? कौन महाकाल, कौन भोलेश्वर शिव? तू लंकेश्वर नहीं, मूर्खाधिपति है रावण। तभी तो तू अनाथों के नाथ, जगत के जगदीश्वर भगवान शिव शंकर को नहीं पहचानता। इस कैलाश क्षेत्र को वही व्यक्ति पार कर सकता है जो भोलेश्वर की वंदना, पूजा और अर्चना करे, महादेव के दर्शनों से अपना जीवन सफल बनाए। ये तुम्हारा सौभाग्य है वानर कि तुम्हें वरदानी महाशक्तिशाली दशानन रावण के दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। वानर समझकर हम तुम्हारे दुस्साहस को क्षमा करते हैं। हमें क्षमा करने का कष्ट न करे महामूर्ख रावण, जा अपने पापों की क्षमा भगवान भोलेनाथ से मांग। भोलेनाथ? शिव शंकर? इस संसार में हमसे महान कोई नहीं है। हम अभी अभी अलकापुरी के कुबेर का वैभव धूल में मिलाकर आ रहे हैं। दुष्ट दुर्बुद्धि वानर, रावण अपने शत्रुओं के लिए काल है। वो एक ऐसी धधकती हुई ज्वाला है जो हरेक को जला के भस्म कर सकती है। जाओ अपने शिव शंकर से कहो कि वो महान रावण से अपने प्राणों की भीख मांगे। जाओ। दुर्बुद्धि, तेरी मति मारी गई है। तेरा काल तेरे सर पर मंडरा रहा है रावण। यदि जीवन का मोह है तो जा ऊपर कैलाश पर्वत पर जाकर भगवान भोलेनाथ से अपने मिथ्या अहंकार तथा अपशब्दों की क्षमा मांग।
रावण का जन्म किसी के सामने झुकने अथवा क्षमा मांगने के लिए नहीं हुआ है, अपितु अपने शत्रुओं का सर्वनाश करने के लिए हुआ है। महाबली रावण को तुम क्या पहचानो? तुम मात्र वानर मुखी नहीं, वानर बुद्धि भी हो। दुष्ट रावण, तूने मुझे बार बार वानर मुखी कहकर मेरा अपमान किया है। जब हम तुझे शाप देते हैं कि एक महान वानर ही तेरे वैभव का नाश करेगा, एक वानर सेना ही तेरे सर्वनाश का कारण बनेगी। तू शाप दे रहा है वानर, तू तू कोई ऋषि मुनि है? देखा नाना श्री, देखा मामा अकंपन, यह तुच्छ वानर दशानन लंकेश्वर रावण को शाप दे रहा है। तुझे अपने जीवन से मोह नहीं दुष्ट वानर, जो लंकेश्वर रावण की क्रोधाग्नि को भड़का रहा है। जिस महादेव की शक्ति पर तुम सबको इतना अधिक अहंकार है, मैं इस क्षण अपनी महान और भयानक शक्ति से उस शिव को शक्तिहीन प्रमाणित कर देता हूँ। बता, कहाँ है तुम्हारा शिव? रावण, आगे ना बढ़, मेरी मान, तू भाग जा। ये भगवान भोलेनाथ का परम पावन समाधि स्थल है, तेरे दुस्साहस का परिणाम घातक होगा। वानर, तू बार बार जिस शिव शंकर का नाम लेकर हमें भयभीत करने का दुस्साहस कर रहा है, वो है कौन? संसार के कण कण में व्याप्त शिव शंकर को तू नहीं जानता? क्या तेरा विश्वेश्वर रावण से अधिक शक्तिशाली है? तू अपनी शक्ति पर अहंकार करता है दुष्ट रावण। मैं शिव के अंश से जन्मा नंदी तुझे इसी क्षण यमलोक पहुंचा सकता हूँ, किंतु मैं तुझे मारूंगा नहीं, क्योंकि तू अपने कुकर्मों से पहले से ही मरा हुआ है। तेरा दुस्साहस अक्षम्भ है दुष्ट वानर, ले तेरी दुष्टता का फल भुगत। दुष्ट वानर, तेरा ये दुस्साहस। रावण के सम्मुख तुम असफल हुए नंदी। असफल नहीं स्वामी, पराजित हुआ। उसने मुझे युद्ध में पराजित किया। शिवांश से उत्पन्न नंदी को पराजित करने वाले को देखने की हमारी तीव्र इच्छा है। भोलेनाथ स्वामी। तो तुम हो रावण। शिवांश से उत्पन्न नंदी को पराजित कर तुमने मुझ शिव को प्रसन्न किया है रावण। तुम्हारा बाहुबल प्रशंसनीय है, तुम कुशल पूर्वक तो हो। तो तुम ही हो शिव? आश्चर्य कि तुम मेरी कुशलता का समाचार पूछ रहे हो। अपने प्रिय भक्त नंदी की दुर्दशा नहीं देखी? गण प्रमुख नंदी को परास्त करने वाले रावण को देखने की तीव्र इच्छा ही तो हमें यहाँ खींच लाई। मुझ काल के समुख अपनी हर इच्छा पूर्ण कर ले शिव। वेद और नीति शास्त्र का महापंडित रावण किसी की भी इच्छा पूर्ण नहीं रहने देता। हमें पहचानने में भूल न करो रावण। यदि तुम काल तो हम महाकाल। महाकाल,
तब तो आज मेरे परशु को युद्ध का पूर्ण आनंद मिलेगा। आनंद नहीं रावण, परम आनंद। किंतु ये कैलाश हमारा क्षेत्र है, यहाँ तुम हमारे अतिथि। मुझे अतिथि की नहीं, युद्ध की अभिलाषा है। हम तुम्हारी हर अभिलाषा पूर्ण करेंगे रावण, किंतु अभी तुम विश्राम कर लो। कार्य पूर्ति ही मेरा विश्राम है। शिव त्रिशूल उठाओ। जैसी तुम्हारी इच्छा रावण। परशु उठाओ रावण। लंकेश्वर रावण अभी थका नहीं होगा। विश्राम के इच्छुक हो रावण? नहीं, विश्राम नहीं। किंतु तुम युद्ध कहां करते हो? युद्ध के नाम पर खेल करते हो। जैसे पिता अपने पुत्र को, गुरु अपने शिष्य को युद्ध का शिक्षण दे रहा हो। किंतु तुम तो युद्ध करो। नहीं नहीं, ये युद्ध नहीं, युद्ध के नाम पर खेल है। और मुझसे युद्ध के नाम पर खिलवाड़ करने वाले, ये तो बताओ कि सचमुच तुम हो कौन? जब तक अहंकार का आवरण तुम्हारे नेत्रों पर छाया हुआ है, तब तक तुम मुझे पहचान नहीं सकते रावण। अहंकार का आवरण हटाने के लिए तुम्हें साधना की आवश्यकता पड़ेगी। साधना? तुम उसे नहीं समझ पाओगे रावण। यदि समझ गए तो तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। मेरी बात का उत्तर दिए बिना तुम कहाँ चले गए शिव? मुझे बताओ कि तुम हो कौन? मूर्ख, तू अभी भी महाबलेश्वर शिव शंकर को नहीं पहचान पाया। मूर्खता ही तेरा परिचय है रावण। दुष्ट, इस समय मेरा चित्त उद्विग्न है। मुझे क्रोध न दिला, अन्यथा अन्यथा तू क्या साधना करने बैठ जाएगा? लंकेश्वर रावण साधना की नहीं शक्ति की भाषा ही समझता है। यदि तुम्हारे शिव ने मुझे स्वयं आकर अपना परिचय ना दिया तो मैं उनका ये निवास कैलाश पर्वत ही उखाड़ कर सागर में डुबो दूंगा। ऐसा दुस्साहस ना कर रावण, अन्यथा तू भस्म हो जाएगा। शिव कोप से अपनी रक्षा कर रावण। शिव ने मुझे अपना परिचय न देकर मेरा उपहास उड़ाया है। या तो शिव मुझे अपना परिचय दे, या मैं शिव का निवास कैलाश ही सागर में डुबो देता हूं।
अहंकारी का अहंकार है जो खंडित होने की अभिलाषा लेकर प्रस्तुत हुआ है। अहंकारी का अहंकार? हाँ पार्वती, विश्व विजय तथा तीनों लोकों का स्वामी बनने का स्वप्न देखने वाला लंकेश्वर रावण आज कैलाश भूमि पर अपने अहंकार के साथ उपस्थित हुआ है। ऐसा अहंकार? मैंने आज तक किसी वीर का ऐसा शक्ति प्रदर्शन नहीं देखा। ये प्रदर्शन युग परिवर्तन की सूचना भी है देवी पार्वती। युग परिवर्तन की सूचना? हमने आपसे कहा था ना देवी,